पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार पर किसानों और बागवानों के साथ छल करने का आरोप चढ़ा है। खासकर सेब बागवानों के साथ कांग्रेस के द्वारा किए गए काम की वजह से प्रदेश में सेब उत्पादन प्रभावित होने की बात कही है। हमीरपुर में दिए गए बयान में धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नालायकी और केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की वजह से सेब उत्पादकों को गुमराह करके राजनीति की गई है। धूमल ने सत्ता में आने पर बागवानों को लाभ पहुंचाने की बात कही है। धूमल ने कहा कि न्यूजीलैंड और अन्य देशों की तरह प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उल्टा खराब शेप के पौधे भी बागवानों को बांटे जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में पढ़ा लिखा बागवान है और आने वाले समय में बागवानों के लिए प्राथमिकता से योजनाएं बनाई जाएंगी। एक कांग्रेस की नालायकी थी और आनंद शर्मा जैसे व्यक्ति जो केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर में मैनिफेस्टो रहा था, उन्होंने लिख दिया कि हम इसको बढ़ा देंगे। मेरे पास आनंद शर्मा की लिखी हुई लेटर थी जो मैक्सिमम हो चुका है, नहीं हो सकता, उन्होंने गुमराह किया। इसमें ड्यूटी बढ़ाने का कुछ नहीं होगा जब तक सारी शर्तें चेंज ना हो। 50% ऑलरेडी लग सकती थी, मैक्सिमम लग चुकी है और अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया। इसके बाद तो हमें यील्ड बढ़ाना होगा पर हेक्टेयर जो है, जहां 5-7 टन पर अटक रहे हैं वहीं न्यूजीलैंड और दूसरे देश 60-70 टन पर जा रहे हैं। हम अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं और अन्य तरीके क्या सोचते हैं, पौध बढ़ाए रूट स्टॉक में भेरा जो भ्रष्टाचारियों ने किया है, जो सड़े हुए पौधे और जो रुगुण पौधे थे, बीमार पौधे थे, वो दे दिए रूट स्टॉक में, उनकी जगह ठीक आए और ठीक अच्छी यील्ड देने वाले आएंगे, वही तरीका है। गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। आज पढ़ा लिखा बागवान है, पढ़ा लिखा किसान है, उसको सही जानकारी दो, सही ट्रेनिंग दो, सही स्किल दो तो सब कुछ ठीक होगा।